का मान क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रही है? यानी ये छोटी छोटी बातें नहीं, ये मैंने आपको क्लियर करा दी। ये केस कराएंगे या आगे कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परस्पर की लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, तथा इसे फाई ई से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये मेरे पास कोई परस्पर है एस, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया क्या डी एस वेक्टर, और इस अल्पांश से जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, उस विद्युत बल रेखाएं जो परस्पर से गुजर रही है उसको बोला जाता है विद्युत फ्लक्स। इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जैसे ही गुणनफल होगा, इन दोनों को जैसे ही गुणा किया जाएगा तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाओं पर भी निर्भर करता है, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। तो देखो डी फाई ई क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारे पास अदिश राशि होती है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसी होती है, अदिश राशि होती है, इसलिए इसकी कौन सा गुणनफल होगा, ये अदिश राशि प्राप्त होगी। तो ठीक है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दूसरी परिभाषा, यह विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो एक और एरो लगा, और जितने भी एरो लगा रखे हैं इसी टाइप से अपने नोट्स बनाओगे अपनी कॉपी के अंदर। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि होती है, ठीक है। इसका मात्रक देखो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक बच्चों क्या बताया था, न्यूटन प्रति कूलम होता है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, देखो E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आ गया न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या बच गया हमारे पास, डीएस वेक्टर। ये डीएस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्र, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई जो है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति कूलम गुणा मीटर स्क्वायर बराबर में क्या होगा। अब दूसरा मात्रक भी दे रखा है, सॉरी बराबर नहीं, या दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, अब जरा देखो, विभव करने पड़ा है।